नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इस नए नवेले अभी जो हमने स्टूडियो आपके लिए तैयार किया है, वहां से आपका स्वागत करती हूं। ये देखिए, यहां से आपको कुंभ के 360 डिग्री अगर दर्शन होंगे, ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ यहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह कल्पवास करते हुए लोग नजर आएंगे, दूसरी जगह आपको अखाड़ों की तस्वीर दिखेगी, तीसरी तरफ आपको भक्ति में लीन गंगा में डुबकी लगाते हुए भक्त मिलेंगे, और चौथी तरफ यहां कुंभ की तरफ आते हुए वो तमाम श्रद्धालु जो चाहते हैं कि उन्हें इस जीवन में सुख मिले, सुविधा मिले, सुकून मिले, लेकिन उस सवाल का जवाब भी मिले जिसे हम लगातार पूछ रहे हैं और पूछना चाहिए भी। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो ये सोचेंगे कि क्या है, क्यों हम इस बात पर बार बार बहस कर रहे हैं, क्या जरूरत है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम सवाल उठाते रहेंगे तब तक, आप समझ लीजिए, तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक उसका जवाब हमें नहीं मिल जाता है। सारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले क्यों आज हम कह रहे हैं इस बड़ी कवरेज को कि राम नाम जपना, अरे मंदिर कब बनेगा अपना, देखिए पहले ये रिपोर्ट और फिर मेहमानों से तारुफ। राम मंदिर के लिए लगातार माहौल गर्म है। प्रयागराज कुंभ में वीएचपी की धर्म संसद से हुंकार। वीएचपी बोली, जो आंदोलन से जुड़े वही मंदिर बनाएंगे। कि 1984 से जो संत इस लड़ाई को लड़ रहे, जो धर्म संसद निर्णय कर रही है, जो अखिल भारतीय मार्गदर्शक मंडल इस बारे में विचार करता है, मंदिर तो वही लोग बनाएंगे। जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बाबा रामदेव का ऐलान, राम मंदिर के लिए आहुति देने को तैयार। अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने मंदिर बनाने की तारीख रखी 21 फरवरी। आराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। बीजेपी का नारा, मंदिर वहीं बनाएंगे। चुनाव आ रहा है, मैं कहना चाहता हूं हर कार्यकर्ता को, मन में से कंफ्यूजन निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वही राम जन्म स्थान पर जल्दी से जल्दी भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए। राम राम जपना, मंदिर कब बनेगा अपना। भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए। राम राम जपना, राम राम जपना, मंदिर कब बनेगा अपना। इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर जो पैनल मेरे साथ है, मैं बता दूं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संत आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है योगी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ राइट हैंड पर आप देख सकते हैं मेरे साथ स्वामी पंचानन गिरी साहब है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिन्होंने आज के इस धर्म संसद का बहिष्कार किया है। राधे माँ का के गुरु भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। फिर उसके बाद आप वहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और राम कथा जो है इतनी खूबसूरती से भक्तों को सुनाती हैं। वीएचपी से जुड़ी हुई हैं देवी निहारिका हमारे साथ हैं। देवी निहारिका, आपका स्वागत है हमारे साथ यहाँ पर। इस साइड पर आइए, मौनी बाबा हैं आज। यो आप सोच लीजिए, कुंभ नगरी में जितने भी बाबा, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर मौनी बाबा है। एक तो राम भक्ति के लिए भी और अपने रुद्राक्ष की मालाओं के आभूषण की वजह से भी। बहुत बहुत स्वागत है।
परमहंस जी आपको वहां नजर आ रहे हैं बिल्कुल उनके साथ में। परमहंस जी को आप ऐसे पहचानिए कि अयोध्या में जब एबीपी न्यूज अपनी कवरेज कर रहा था तब से शुरू हुआ ये सिलसिला। आप देखिए तब चिता अपनी लगाई, तब ये सरकार से कहा कि हमें एक पुख्ता तारीख दे दीजिए वरना हम आत्मदहन कर लेंगे। उसके बाद 3 तारीख को सरकार की तरफ से जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रासुका आज की तारीख में इन पर लगी हुई है और ये कहते हैं राम मंदिर जब तक नहीं बन जाता है तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। आशीष गुप्ता हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ गए हैं, लेकिन बाबा रामदेव आज धर्म संसद में मौजूद थे। बाबा रामदेव क्या आह्वान कर रहे थे, क्या कहा राम मंदिर को लेकर, पहले वो सुनिए और उसके बाद यहाँ मैं चर्चा शुरू करती हूँ। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, जिस तस्वीर की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बाबा रामदेव, जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव और उनके हाथ में सुल्फा। जी हाँ, सही सुना आपने, भांग धतूरा ऐसी चीजों से बहुत दूर रहने की हमेशा योग गुरु बाबा रामदेव बात करते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बाबा योग गुरु रामदेव के हाथ में आपको ये सुल्फा और ये नजर आएगा। बाबा क्या शौक शुरू कर दिया क्या अब आपने? हमने ये बचपन से शौक पाल रखा था, पहले अपने बाप की छुड़ाई, फिर अपने दादा की छुड़ाई, पहले वो हमारा सांसारिक परिवार था, अब तो घर परिवार संसार छोड़ करके ये साधु समाज ही हमारा परिवार है, ये हमारा अंतरंग परिवार है, ये तो पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो मैंने साधुओं से प्रार्थना की, महाराज साधु की लाज रखो और मुझे जो है ये चिलम दान में मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे दान करो। नई मुहिम आप यहाँ कुंभ में लेके उतर गए चिलम दान की, जगह जगह अखाड़ों में जा रहे हैं, तमाम जो साधु संत हैं उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं। यहाँ तो हमने देखा आपने झोली फैला के भीख तक मांग ली इसके लिए। ये सब दिए भीख है उन्होंने और सबने प्रतिज्ञा की, साधु वचन का पक्का होता है और इससे एक समाज में अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। आज हमारा युवा नशे में बर्बाद हो रहा है, बीड़ी सिगरेट शराब में, दुराचार व्यभिचार में, हिंसा में और कहीं ना कहीं निराशा में खोया हुआ है, तो उसको साधु से दिशा मिलनी चाहिए। भारत के साधु का चरित्र ऐसा हो जिसको देख करके गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि और भगवान राम कृष्ण की याद आए। मैं तो गीत गाता हूँ ना, भगवान आर्यों को, सब हम आर्य पुत्र हैं, और भगवान राम को जब भी आप वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण पढ़ते तो आर्य पुत्र कहते हैं। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले, राम और कृष्ण जैसा चरित्र हो हमारा, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से गौतम कणाद, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। तो मैंने उस आर्य संस्कृति की याद दिलाई और सबने मेरी बात की इज्जत रखी। जब आपने सबकी याद दिलाई, सबकी इज्जत रखी, यहाँ पे सभी साधु संतों की राम मंदिर की और बड़ी आस है, बड़ी याद है। आज आप धर्म संसद में भी गए हैं लेकिन कुछ स्पष्ट बोल के नहीं आए बाबा रामदेव। कल का मुद्दा रखा है राम मंदिर का, आज मैंने बोला कि राम मंदिर भी बनेगा, राम जैसा चरित्र भी राष्ट्र का बनेगा और राम राज्य भी इस राष्ट्र में आएगा। उसके लिए मैंने कहा हमारे इस धर्म संसद में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि देश की संसद को ये दिशा दे सके। उसके लिए हम अपनी जनशक्ति बढ़ाएं, अपना आत्मबल बढ़ाएं और समाज को अपने साथ खड़ा करें। जैसे प्राचीन काल में भारत के पूर्वजों ने शिक्षा, चिकित्सा, खेती से लेकर के राजनीति तक समाज का नेतृत्व किया था, भारत को किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया। ऐसा ही दोबारा से संतों का संगठित हो, उसके लिए एकता, समानता और अपने बल की वृद्धि के लिए मैंने आज आह्वान किया। आज का विषय वही बाबा रामदेव, आज वो नहीं लग रहे जो रहते हैं फ्लो में, बिल्कुल क्लियर कट। मोदी जी के लिए क्या संदेश धर्म संसद से योग गुरु बाबा रामदेव का? देखिए, हम राजनीति साधु का विषय नहीं होती है, राष्ट्र साधु का विषय होता है। राम तो साधु के विषय है, इसीलिए माता तेरे को साधु नहीं, अभी बाबा जी बना देंगे, अभी कान फाड़ देंगे तेरे। सुनो, अभी ये साधु का विषय है। देखो, राम राष्ट्र का विषय है, राम राष्ट्र की अस्मिता है, राम राष्ट्र का स्वाभिमान है, राम राष्ट्र की मर्यादा है,
वो हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज वो खाली हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी, क्योंकि आज उनके मजहब बदले हैं लेकिन पहले उनके और हमारे पूर्वज राम ही हैं। इसलिए राम सांप्रदायिक मुद्दा नहीं, राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है, इसलिए मंदिर तो बनना ही चाहिए और बनेगा। अगर चुनाव से पहले बन जाता तो शायद बीजेपी पे, आरएसएस पे और अब कुंभ में जैसे धर्म संसद करनी पड़ रही है, हमें लगातार योग गुरु से सवाल पूछना पड़ रहा है, ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो सच है कि इसमें बहुत देरी हुई है और इसलिए संसद ने अभी यह जो हमारे प्रधानमंत्री है ये मांग भी की है न्यायालय में और मुझे लगता है वो मांग स्वीकार भी होगी कि ये जमीन जो भाई उसको तो छोड़ो और उसको वो हमारे हिंदू समाज को जरूर सौंपेंगे और कुछ ना कुछ बड़ा परिणाम आएगा। अच्छा बाबा रामदेव जी, अगर इससे पहले पहले जमीन छूट गई जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं तो देखते हैं बीजेपी को सीधे तौर पे फायदा। देखिए, राम को मैं वोट बैंक नहीं मानता। राम हमारा धर्म है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा स्वभाव, हमारी मर्यादा है और राम उस एक अलौकिक सत्ता के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। तो उनको आप वोट बैंक से मत जोड़िए। राजनीति मात्र राष्ट्र नहीं है, राजनीति से राष्ट्र में का एक छोटा सा हिस्सा है। राष्ट्र अपने स्वभाव और अपनी संस्कृति से और राष्ट्र के करोड़ों लोगों के पुरुषार्थ से चलता है। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी जो है बातचीत भी हुई, एक घंटे से ज्यादा हुई। क्या लगता है कि एक बार राम मंदिर को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी हुई है, बैकफुट पे जरूर है? चलिए, रास्ता निकलेगा और राष्ट्र का मंगल होगा। राजनीतिक दंगल में राष्ट्र का मंगल होना ही चाहिए, वो होगा और भगवान राम का गौरव स्थापित होगा इस राष्ट्र में, क्योंकि राम का राष्ट्र है ये, कृष्ण का राष्ट्र है, शिव का, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। तो ये हैं योग गुरु बाबा रामदेव, जो फिलहाल हाथ में भांग, धतूरा और सुल्फा लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि साधु संतों से अपील कर रहे हैं, लगातार अखाड़ों में जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अभी अभी धर्म संसद में होकर आए हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है। सुना आपने, भांग और धतूरा ये दान में दे दीजिए, सारे साधुओं से बात कर रहे थे बाबा रामदेव। धर्म संसद भी पहुंचे, धर्म संसद में पहुंचे और ये कहा कि भारत को और पुख्ता बनाना है, अखंड बनाना है। प्रभु राम पर भी जिक्र किया, चिल्लम गांजे पर भी जिक्र किया, लेकिन तारीख कोई नहीं बता पाया। पंचानंद गिरी महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने तो बहिष्कार किया है आज जो धर्म संसद लगी हुई थी, कल भी एक परम धर्म संसद लगी थी, वो कह रहे हैं बाबा रामदेव कि ये राजनीतिक दंगल में देश का मंगल होगा, लेकिन मुझे तो ये राजनीतिक दंगल अब कम लग रहा है, क्योंकि बरसों से था राजनीतिक दंगल, तो मुझे ये धार्मिक दंगल अब ज्यादा नजर आ रहा है। और सच्चाई से बताइएगा, हाँ कि ना? देखिए, ऐसा है, विष्कार जो अखाड़ों ने किया है ये राजनीति के कारण ही किया है। जहां तक ये बाबा आज चिलम सुल्फा लेके हाथ में दान मांग रहा है, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। सबसे पहले मैं रामदेव को कहूंगा कि जो धर्म का व्यापारकरण किया है उन्होंने देश में, धर्म का नक्शा बदल दिया, ऐसे लोगों के कारण ये सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार की बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले उन्हें ये पूछो कि धर्म उन्हें व्यापार करना सिखाता है? चिलम गांजे की बात तो बहुत बात की है, अगर चिलम गांजा पुराना इतिहास उठाओगे, बापों को दिया जाता था तो साधना के लिए दिया जाता था, योगी महाराज कि वो लीन रहे। बताइए, देखिए, बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, ये सब होना चाहिए, जब भी कोई भी कमियां आती है समाज में तो संत उसको सुधार करते हैं। अगर आज कमियां आई है, नशे की बातें आई है, तो संत सुधार कर रहे हैं। रामदेव जी ने बहुत बड़ा काम किया। नहीं है। नहीं, रामदेव जी ने जो काम किया है, रामदेव साधु के नाम पर कलंक है। नहीं, मैं बाबा रामदेव पर जिक्र करने नहीं आई हूँ, मैं प्रभु राम पर जिक्र करने यहाँ पर आई हूँ। भगवान के प्रभु राम पर जिक्र कीजिए। मुझे ये बताइए, आप लोग सब एक साथ क्यों नहीं है राम मंदिर पर, एक साथ क्यों नहीं है साधु संत? राम मंदिर के लिए तो सब है, सब साथ में रहना चाहिए, किसी नहीं, को रहना चाहिए नहीं होगी, रहना चाहिए, चाहिए नहीं है, नहीं। ये इनकी कमियां हैं, जो बहिष्कार कर रहे हैं, जो दूर हैं, उनके कहीं न कहीं कमियां हैं। परमहंस जी, आपकी कमियां नहीं। देखिए,
अखाड़ा परिषद की कमी बताना विश्व हिंदू परिषद के लिए यह जो है बहुत घिनौना है। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है जो अखाड़ा परिषद को कह दे कि कमी है? अखाड़ा परिषद निर्णायक है यहाँ का। विश्व हिंदू परिषद अखाड़ा परिषद के पीछे जब तक नहीं चलेगा तब तक विश्व हिंदू परिषद की कोई भी सभा मान्य नहीं होगी। साथ रहा है और संतों के साथ रहेगा। विश्व हिंदू परिषद का केवल एक ही काम, तो या तो परमहंस जी को संत नहीं मानती है, या आप पंचानंद गिरी जी को संत नहीं मानती है। बीएसपी सबके साथ है, संत के साथ है। तो आपने आपने इनको आप ये सोचो कि अखाड़ा परिषद ने विस्कार किया क्यों? क्यों किया? सोचो क्यों किया? क्योंकि पहले 13 दिन, फिर 5 साल संतों को गुमराह किया गया। मोहन भागवत माँ गंगा पे, राम मंदिर पे, गौ पे, धर्म संसद चल रही थी, हालात आ गए, यही अखाड़ा परिषद नहीं हो जाएगा, सभी जनता के साथ अखंड चलेगी धर्म संसद। अरे देवी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। एक धर्म संसद नहीं है ना, अब तो अलग अलग धर्म संसद, अब तो गली गली में अलग अलग धर्म हो रही है, अलग अलग तारीखें निकल कर आ रही है ना। अरे तारीखें अलग निकल कर आ रही है ना योगी जी। पहले विश्व हिंदू परिषद ने अपने सरकार को बलिदान दिया है। कल्याण सिंह सरकार गिर गई थी, किसी ने भी नहीं इतना बड़ा बलिदान दिया है। भाजपा ने, विश्व हिंदू परिषद ने जब से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ती चली आ रही है, अब क्यों नहीं दे रही है? अब क्यों बलिदान नहीं दे रही है? से पहले हजारों साधुओं ने बलिदान दिया, सरजू नदी पे गोलियां खाई अपनी छाती पे, फिर वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन 5 साल मंदिर नहीं याद आया किसी को। वहाँ भी चलनी चाहिए ना, आपका कहना ये होना चाहिए। ये तो सनातनियों को समझना चाहिए था। मोदी ने कहा था दिवालय नहीं शौचालय, शौचालय होना चाहिए, लेकिन उसकी सोच हमें पता लग जानी चाहिए थी पहले से ही। ये दिवालय अच्छा, नहीं, मुझे आप एक, एक, अच्छा, मुझे एक एक करके आप बताइए। और मौनी बाबा, आप क्यों मौन हैं? क्या वजह है? आप इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते? हमें इतना दर्द है इस बात से कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत शर्मनाक है, और एक संत होने के नाते हमें अत्यंत पीड़ा है कि राम मेरे जो आराध्य है, मेरी जो आस्था के केंद्र हैं, जो मेरे एक एक श्वास में निवास करते हैं, उनके लिए इतना इतनी टिप्पणी करना मेरे मेरे जीवन को मृत्यु से कम दर्द नहीं दे रहा है। और मैं पूरे संसद से कहता हूं कि आप बोलने के पहले सोचा करें कि आप भारत के उस तीर्थ में हैं जहां सारे देवता निवास कर रहे हैं, आपकी पूरी आस्था उस देख रहे हैं, आपकी सारी टिप्पणी सुन रहे हैं। देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, या सारे देवता उपस्थित हैं, सबके सामने भगवान रामलला की चर्चा की जा रही है। मैं पूरे विश्व नहीं, तो आप किस बात से दुख, किस बात का हो रहा है? अलग अलग धर्म संसद का हो रहा है, या साधु संत एक राय पर नहीं आ पा रहे हैं उसका हो रहा है, या आपको नहीं बुलाया गया, आमंत्रित नहीं किया गया, इसका हो रहा है? नहीं, हमें आमंत्रित आने जाने का, क्योंकि हम किसी के नाम के साधु नहीं है, न विश्व हिंदू परिषद के है, न धर्म संसद के है, हम संत हैं, हम साधक हैं। आजीवन मैंने रामलला के बिता दिया है, 28 वर्षों से मैंने जो किया है शायद किसी संत ने किया होगा। तो मौनी बाबा, आप मुझे एकदम दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, क्या 3 पावर सेंटर बन गए हैं यहाँ पर? 3 पावर सेंटर, मैं आप बता दूं, राम मंदिर पर क्यों नहीं बना? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का 1 पावर सेंटर, अखाड़ों का 2 पावर सेंटर, 3 पावर सेंटर विश्व हिंदू परिषद का, ये 3 पावर सेंटर। मैं आज आपसे वो बात कहूंगा जो किसी संत ने ना कहा होगा। आपके चैनल से आज अपनी में बड़ी पीड़ा कहने जा रहा हूँ कि राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना, इसका एकमात्र कारण है राम मंदिर को सियासत की भेंट में चढ़ा दिया। सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए लग गई होड़ लोगों में। राम मंदिर मेरे नाम से जाना जाए, इसका हो रहा है एक तरीके से साजिश का प्लान। अगर सारे लोग आज 3 दिन में राम मंदिर का निर्माण हो जाए, अगर मेरी बात पूरे देश के लोग मान ले, आज ही चारों शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, संत, महात्मा, धर्म के सारे ठेकेदार अगर एक साथ खड़े हो जाए, तो 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय कर देना पड़ेगा कि राम मंदिर बना दीजिए। बताइए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगा अगर सबके सब मिल जाए, चारों शंकराचार्य मिल जाए, अखाड़े 13-14 जो हैं वो मिल जाए, और बाकी सारे जो साधु संत है वो मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा? ऐसा थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये प्राथमिकता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए देश का जो संविधान है और उच्चतम न्यायालय है वो जो जनता से है, उससे जनता नहीं है। तो जब जनता का दबाव, जो महाराज जी ने कहा, इसमें बहुत दम है इस बात में। मुझे लगता है अगर देश के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, सरकार, सारे नेता, सारे राजनीतिक दल को मजबूर होना पड़ेगा उस बात के सोचने आप के लिए। क्यों नहीं कर पाए? हम तो लगातार, देखिए लगातार कितने पक्षकारों से आपने बात की है,
कितने पक्षकारों से भारतीय जनता पार्टी ने बात की? भारतीय जनता पार्टी तो हर पक्ष को चाह रही कि एक साथ है। आज धर्म संसद क्यों हो रही? नहीं रही है, नहीं, धर्म संसद विश्व परिषद की है। चाहिए कि मैं फेर में पढ़ती नहीं हूँ, मुझे ये बताइए 4.5 वर्षों में आपने कितने पक्षकारों को एक साथ बिठा दिया है? आपने परमहंस जी को कितनी बार बिठा दिया है, मौनी बाबा को कितनी बार बिठा दिया है, पंचानंद गिरी को कितनी बार बिठा दिया है, योगी जी को कितनी बार एक ही मंच पर बिठा दिया है, शंकराचार्य को कितनी बार आपने एक ही मंच पर बिठा दिया है? उसमें साधु महात्माओं का तो आह्वान है बैठने के लिए। मुस्लिम पक्षकारों को कितनी बार आपने एक मंच पर बिठा दिया है? मुस्लिम पक्षकार ने तुरंत कहा कि जो निर्विवादित जगह है उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी कि अगर जो भी जगह जिस पर विवाद नहीं उसे हिंदू समाज को दे दिया जाए, राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए। किसने सहमति व्यक्त की है? जो अंसारी जी, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं उस जमीन पर अगर दे दिया जाए। और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है इतना आसान होगा? इतना आसान होगा वो 67 एकड़ जो है दे देना? कर रहे हैं वो डिस्कशन, अंत में जाकर आप सुप्रीम कोर्ट पर ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला, आप सुन लीजिए सर, मैं बताती हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में मामला इसलिए अटक गया है आशीष जी, क्योंकि आप लोगों ने बदनीयती से ये पूरा का पूरा जो है राम के नाम पर खेल किया। अब मैं बताती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ सर, मैं इतना भटक रही हूँ यहाँ पर, गली गली घूम रही हूँ, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हुआ है, यहाँ बहुत मुसलमान भी रहते हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई है। और वो क्या कहते हैं कि 4.5 साल एक बार चाय पर चर्चा कर लेते, अगर सच में दिल से चाहते तो मामला हल किया जा सकता था, परमहंस जी किया जा सकता था। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं चाहती है कि राम मंदिर बने, केवल राम मंदिर के नाम पर इनको सत्ता मिलती रहे। इस कटु सत्य को बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं सारे राजनीतिक दलों को बुला करके कहिए कि अपना अपना विचार स्पष्ट करें कि राम मंदिर के पक्ष में। दलों से हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन कोई दल, चूंकि सबको तुष्टीकरण है, सबको लगता है कि मंदिर पर हम आगे आएंगे तो हमें मुस्लिम वोट मिलेगा, इसलिए वो आगे नहीं आते। सर झूठ है, ये आपने कभी आपने नहीं बुलाया किया। नहीं सबको, आपने कोई आग्रह नहीं अभी किया। ये कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में आवाहन किया है। अब इनकी सोच देखो कि आवाहन तो लोगों को, बच्चों को संत किया करते थे, ये संतों को दे देने लगे। संत ही तो धर्म संसद में है, संत ही तो बैठे हैं वहाँ, कौन सा नेता? संतों का धर्म संसद नहीं है, संत ही है वहाँ। संतों का धर्म संसद नहीं, संतों की धर्म संसद। राजनीति से प्रेरित, यही अभी बात हो रही है कि हम सबको एक होना पड़ेगा, निश्चित रूप से एक होगा तभी इस प्रकार राजनीति से धर्म के कारण है। क्योंकि पहला जो बावरी का मस्जिद ढाया गया वो कार सेवकों की उपस्थिति में ढाया गया। मान्य कौन है मुझे बताइए, परम धर्म संसद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वाली या बीएचपी ने जो बुलाई है वो कौन सी मान्य है मुझे बताइए? मान्य जी हमारे आदरणीय है, योगी को जो मान्य कौन है? हिंदू परिषद से धर्म संसद होता रहा है, सब संत को एकत्रित करके सिंघल जी जाते थे, सभी संत लोग जा करके वहाँ पर अपने विचार रखते थे, उनके विचारों को सिंघल जी सर्वोपरि, विश्व हिंदू परिषद पूरा जो है सर्वोपरि संतों की बात को माना है और संतों के मार्गदर्शन में बराबर चलता आ रहा है। मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समझ नहीं पाई। नहीं नहीं, कौन सी धर्म संसद मान्य है? देश की जनता संत और नहीं, दोनों मान्य है। देखिए जिसमें संत समाज है, हम यहाँ कुछ और कहा जाएगा, ये गलत है। टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बिहिप के द्वारा संत कहते हैं तो उनकी भी बात मान लिया जाए। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें, आप इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, तादाद में लोग शाही स्नान के लिए भी और मौनी अमावस्या के लिए भी अब कूच कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को यहाँ पर हर कोई श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए कोशिश करेगा, चाहे वो कन्याकुमारी हो चाहे वो कश्मीर हो, एक बार प्रयागराज जरूर आ जाए। लेकिन इसी प्रयागराज में 2 धर्म संसद हो गई है, दोनों ही धर्म संसद के केंद्र में राम मंदिर है। सरकार पर दबाव की एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस चक्कर में राजनीति भी भयंकर हो गई है, और वो भी कहा धर्म संसद में। एक धर्म संसद ये कहती है कि हम परम है, दूसरी धर्म संसद ये कहती है कि हम परम है, बीच में वो साधु संत जो कहते हैं हमारे लिए तो दोनों ही मान्य है, लेकिन जनता परेशान हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात को माने किसकी बात को ना माने। अभी हमारे साथ संत किशोर भाई दवे, जो कि शंकराचार्य स्वरूपारम की परम धर्म संसद के प्रवक्ता है, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कल जो कुछ भी आपने फैसला लिया, अव्वल तो उस फैसले के खिलाफ बहुत सारे
लोग खड़े हो गए हैं, उनका ये कहना है कि आपने भले ही दूसरी धर्म संसद को छोटा दिखाने के लिए एक तारीख दे दी हो, लेकिन आपने अवमानना की है कोर्ट की। इसमें कोर्ट की अवमानना कहाँ होती है, पहले तो बताइए कोर्ट ने कौन सा फैसला दिया है इसके ऊपर की जो अवमानना होगी। कोर्ट ने न तो आज तक स्टे लगाया है, कोर्ट ने न मना किया है, और अगर कोर्ट ऐसे मना करेगी तो कोई आंदोलन ही नहीं होगा। गांधी जी ने दांडी कूच की थी तो कौन सी कोर्ट ने परमिशन दी थी? जब 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया तो कौन सी कोर्ट ने परमिशन दी थी? 30 अक्टूबर 1990 को जब हुआ तो कौन सी कोर्ट ने परमिशन दी थी? और उसके बाद 6 दिसंबर को जो हुआ तो कौन सी कोर्ट ने परमिशन दी थी? कोर्ट परमिशन आंदोलन के लिए नहीं देती, ये बात ही बिल्कुल गलत है। आंदोलन की बात नहीं करी थी मैं, शिलान्यास की बात करी थी। आंदोलन आप कीजिए ना, अपने घर में कीजिए, अपने इलाके में कीजिए, अपने गलियों में कीजिए, लेकिन उस इलाके में नहीं कर सकते हैं जहां पर स्टे है। कोई स्टे नहीं है। आपको किसने कहा कि स्टे नहीं है? स्टे नहीं, बताइए, दर्शन के लिए स्टे नहीं है तो ईंटे ले जाकर कौन सी दर्शन होती है? ईंटे ले जाकर कौन सी दर्शन होती है गुरु जी? नहीं, वहाँ तो स्थापित करना है, हमको तो मंदिर का निर्माण करना है। तो फिर हो गई कोर्ट की अवमानना, ये तो आपने अपने मुख से कह दिया। बनाने से मना नहीं किया है, कोर्ट ने तो कहा है कि वहाँ रंजन भूमि थी। कोर्ट ने तो बाबा अवस्थी, बाबा अवस्थी, ये कोर्ट की अवमानना नहीं है। देखिए कल आप स्वरूपानंद स्वामी स्वरूपानंद की तारीफ कर रहे थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी तक आपने बता दिया था, लेकिन आज की तारीख में जब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, और मत भूलिए कि आप उस पार्टी के हैं जो फ्रीडम फाइटर्स को अपना अपने नींव और ईंट मानती है, और आप अगर इस बात का सपोर्ट करते हैं तो आप ये बताते हैं कि अब राजनीति में धार्मिक छींटे आ गए हैं आपकी भी। देखिए इस वक्त प्रयाग में धर्म और राजनीति अपने सबसे सुंदर और सबसे शिखर मुहाने पे खड़ी है। आप पहले समझिए, मैं राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ, संतों ने राजनीति को चुनौती दे दिया है। राजनीति का जो खेल चल रहा था उसका जो है बुलडोजर लेकर स्वरूपानंद जी, सरस्वती, जगतगुरु, विश्व के हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य, अगर उनको कोई नहीं मान रहा है तो उसके हिंदू होने पर, आदि गुरु शंकराचार्य के मानने वाले पर मैं शक पैदा करता हूँ। शक तो आपकी पार्टी पर होता है बाबा अवस्थी। शक नहीं, शंकराचार्य, आपको शक का हक किसी ने नहीं दिया है, आपको शक का हक कोई नहीं दे रहा है। एक सेकंड में एक तो मुझे ये समझना है, शक करना बताइए, हिंदू धर्म को नकारना। कितने बार वो अयोध्या गए हैं, कितने बार मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, उन्होंने के लिए लड़ाई लड़ी है, और स्वरूपानंद जी ने भी राम शिलान्यास के लिए जो मुहूर्त निकाला, उनकी गिरफ्तारी हुई है, राम जन्मभूमि के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, राम जन्मभूमि के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था, कई बार शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था, पहले सुनिए, कोई सभी योगी जी, आप क्या योगी जी, इसका मतलब क्या है? आप शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं। मानते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं का क्या मतलब है? वो आपसे तो फिर क्या मानते हैं? न्यायालय को भी सम्मान करना जरूरी है, हमारा ला माई गार्डन, ये बीएचपी से जुड़े शब्द कह रहे हैं। न्यायालय का आपने 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 अगर सच में सम्मान किया होता तो 6 दिसंबर की तारीख क्या देश की हिस्ट्री में रहती? नहीं, वो देखिए किया था आपने, वो बताइए, तब आपने सरकार बलिदान, तब आपको कानून ध्यान नहीं आया, किया गया सरकार बलिदान हुई, जाना है, यही प्रयास है, परिषद को मानना याद नहीं आया। 6 दिसंबर को जब ढांचा गिराने के लिए गए थे तब आपको कानून ध्यान में नहीं आया, तब आपको सुप्रीम कोर्ट ध्यान में नहीं था, आज आपको शंकराचार्य के नहीं ये डबल स्टैंडर्ड है। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं, जब दूसरे की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी तब आपके अंदर साहस हो गया, और आज जब आपकी गवर्नमेंट है तो उसका बचाव करने के लिए आप कायरता का परिचय दे रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, जिस तरह गिराया गया था उसी तरह आप भी जो है कूच करें, हम कहते हैं आप शंकराचार्य के पहले कूच करें, पहले आप कुछ करिए और मंदिर बनाइए। आपका अगर विरोध करेंगे शंकराचार्य तो आप देवी ने आएगा, स्वरूपानंद के साथ जाएंगे, मंदिर बनाना है ना आपका, आपका मुद्दा मंदिर बनाना है ना, किया जाएगा, लेकिन न्यायालय का भी सम्मान
करना जरूरी है। जो मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है, हम उन सब के साथ का भी सम्मान किया, चाहे वो हमारे गुरु आशीष या बीएसपी है। अगर आप इतना सम्मान कर रहे हैं, जिस देश में आपकी सरकार के टाइम भी रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलती है, तो राम मंदिर को 90 साल क्यों? और दूसरा सुनिए, आप लोग 3 तलाक पे वहाँ पे बिल ले आए, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं लाए? बिल्कुल करते बाबा बैठे, अगर बाबा बताएं कि अगर ये राम मंदिर के अध्यादेश पर आएंगे कैसा? राम मंदिर जरूरी नहीं, राम मंदिर जरूरी नहीं है, राम मंदिर जरूरी नहीं, आपके लिए 3 तलाक ज्यादा जरूरी है। आप बताइए, आपके लिए 3 तलाक ज्यादा जरूरी है? आप कहो कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, जरूरी है, हम नहीं कह सकते राम सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि राम राष्ट्र की नहीं नहीं राम राष्ट्र की प्राण है, नहीं नहीं राम के मंदिर का पुनः भारत का निर्माण है। अगर राम का मंदिर होगा तभी हमारे भारत का एक नवीन राज आपके लिए जरूरी नहीं आएगा। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? सामाजिक बैलेंस बराबर हो, 3 तलाक में हमारी महिलाएं जो है बहुत प्रताड़ित होती है। जब आपकी राम का आस्था नहीं है, नहीं आस्था है, हम राम के आस्था ड्रामा कर रहे हो, राम का धर्म संसार कर रहे हो, लोगों को पूरा देश शांति और प्रसन्नता प्राप्त करता है। ठीक है आशीष गुप्ता, यही चाहते थे आप? देखिए हम यही चाहते थे आप? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर सारे संत समाज, सारे राजनीतिक दल, पूरा देश का हिंदू समाज, और मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ, सब एक साथ खड़े उस मुद्दे पर। आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सबको, बाबा जी यहाँ पर बैठे, बाबा अवस्थी यहाँ बैठे हैं, आप इनसे सवाल करिए कि क्या राम मंदिर के मुद्दे पर ये कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए और इनकी इनकी पार्टी का क्या रुख है, आप इनसे पूछिए यहाँ पर बैठे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कान पकड़कर टेलीविजन पे एबीवीपी पे खड़ा हो जाए, लीजिए शशि थरूर का एक और ट्वीट आ गया है, हम मंदिर नहीं बना रहे, आपके नेता का एक और ट्वीट आ गया है, आप तो राम को नहीं मानते हैं, आप राम सेतु को नहीं मानते। आशीष एक सेकंड रुकिए, इस शशि थरूर का ट्वीट देखिए, आप पकड़ेंगे, अरे अरे सुनिए बाबा अवस्थी, वो ब्रेकिंग न्यूज देखिए, कांग्रेस के नेता शशि थरूर रुकने को तैयार नहीं है, विवादित ट्वीट एक और कर दिया, हिंदी सुनिए क्यों नहीं है, हिंदी हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है, सुन रहे हैं आप, वो वहाँ बैठ के 280 कैरेक्टर में हिंदू हिंदी हिंदुत्व को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ऐसा ट्वीट कौन करता है? ये चाहते क्या है, चाहते क्या है, इसका जवाब दे दे हमको, यहाँ बैठा कोई भी संत, बिल्कुल वो कहते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान की विचारधारा समाज को, ऐसी बात नहीं, ये जो 80% गौरक्ष गुंडे हैं तो उसकी भी निंदा करते हैं हम, योगी जी ने कहा हनुमान दलित है, नहीं उसकी नहीं भी निंदा करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये जो हिंदी हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है, ये शशि थरूर का कहना, यदि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से सहमत है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक कलंक होगी। कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, इन तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, बाबा अवस्थी एक एक सेंटेंस जो इस वक्त आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, मैं आपके बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन समझ लीजिए ये शशि थरूर आपको भी ले डूबेंगे, पूरी कांग्रेस को ले डूबेंगे, पहले वो गंगा में सब नंगे हैं, एक ट्वीट करते हैं, तस्वीरें दिखाकर शर्मिंदा करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, और तब नहीं रुकते हैं तो आज एक और ट्वीट कर देते हैं, चाहते क्या है शशि थरूर, चाहते क्या है बाबा अवस्थी, शशि थरूर चाहते क्या है, जवाब दीजिए, ये उनका निजी बयान है, अधिकृत नेता कोई होगा उसका निजी बयान नहीं है, ये वो ट्वीट कर रहे हैं, निजी बयान, कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, आपका निजी बयान हो जाएगा, इसके लिए राहुल गांधी क्षमा मांगेंगे, राहुल गांधी या क्षमा मांगे या कांग्रेस उनको अलग कर दे, नहीं हमारी हिंदी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हिंदी तो आप ये कह रहे शशि थरूर ने सही काम किया है, शशि थरूर ने गलत किया है, तो फिर आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं, अरे आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू, एक सेकंड आप हिंदू हैं, हिंदू हैं बिल्कुल, आप हिंदी हैं, हिंदी भी है, और आप हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, ना मैं हिंदू हूँ
ना मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके धर्म का और आपके इस प्रचार का सम्मान करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जो आदमी सम्मान नहीं कर रहा है, आप उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? किस बात की वकालत कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं सारी पार्टियां ये कर रही है, कांग्रेस भी ये कर रही है, भाजपा भी ये कर रही है। जो बात हुई उसको हमें निंदा करना चाहिए, हमें दूसरों की आलोचना करनी चाहिए। सबसे बड़े शर्मनाक बात है कि कुंभ के समय या लगातार उनकी दूसरी टिप्पणी है, दूसरी टिप्पणी। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो चुके हैं और आपको तत्काल इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस की विनाश की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल सही। और आपका विनाश हो जाएगा। और मैं अमेठी संबंध रखता हूं जहां उनकी लोकसभा है। यदि कांग्रेस कुछ नहीं करती है तो मैं फिर विरोध करने के लिए निकल पड़ूंगा, क्योंकि आपको मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन पूरे देश का समर्थक हूं। हिंदू हिंदुत्व मेरी आस्था है। अगर राहुल गांधी ऐसे मामले पर अपनी राय नहीं व्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा, उसके विनाश की शुरुआत शुरू हो जाएगी। क्योंकि संत किसी समाज का, किसी दल का, किसी परिवार का नहीं होता है, वो सर्वे भवंत की बात करता है। हम इसलिए सबसे बड़े निवेदन में करते हैं, टिप्पणी करने के लिए लोग सोच लें, क्योंकि आपको पूरा विश्व देख रहा है। नहीं, और मुझे इसमें मुझे मैं इसमें क्यों ना साजिश देखूं? आशीष जी रुकिए एक सेकंड। बाबा अवस्थी, मैं इसमें साजिश क्यों ना देखूं? एक के बाद एक टिप्पणी करते हैं वो, किसी तरह का उन पे कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। राहुल गांधी तो बहुत ट्वीट करने के आदी हैं, उनको तो बहुत मजे आते हैं ट्वीट करने में। हाँ, रफेल में मनोहर पर्रिकर से मिलकर आते हैं, फौरन ट्वीट कर देते हैं। पिद्दी वाला ट्वीट फौरन कर देते हैं, क्या कुछ देश में चल रहा है फौरन ट्वीट कर देते हैं। अब हिंदी हिंदुत्व और हिंदू को लेकर ऐसी आपत्तिजनक ट्वीट पर क्या कोर्ट रीट्वीट करेंगे राहुल गांधी? बाबा अवस्थी, नहीं, कदाप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये उनका निजी बयान है। शशि थरूर जी दक्षिण भारत के केरल के हैं, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, तो उनको हिंदी और नॉर्थ इंडिया से ज्यादा जो है और बाबा धर्म देखिए। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं? हर कोई खंडन करेगा आपकी बात का। बोलने वाला भी हिंदू है, कोई हिंदू अंग्रेज भी बोलेगा, संस्कृत भी बोलेगा, तमिल भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा। आप भाषा की याद मत लीजिए बाबा। इन्होंने हिंदू धर्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू ऑफ लाइफ है, कोई धर्म की बात नहीं है। आप शशि थरूर शशि थरूर को हिंदुत्व का मतलब भी पता है, शशि थरूर को हिंदू का मतलब भी पता है। केरल के हैं? हाँ, केरल के। तो केरल का है, कनाडा में है। केरल का है? कनाडा में है। केरल का सऊदी अरब में है। केरल कहाँ है? तो फिर नॉन हिंदी का, अरे हिंदुत्व का केरल से कोई वास्ता नहीं है। आज आपके पास बाबा सिद्दीकी माफ कीजिएगा, बाबा अवस्थी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, बट आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 100 बार भी माफी मांग लें उसके बावजूद भरपाई नहीं हो सकती है। वो जानबूझकर बार बार इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, करते हैं ताकि हिंदुत्व का अपमान। नहीं, ऐसा नहीं। पंचानंद गिरी जी हमारी इस ट्वीट पर आप मैं रिएक्शन चाहती हूँ। पंचानंद गिरी जी, देखिए ऐसा है, बहुत शर्मनाक ये बात है जो ये ट्वीट दूसरा हुआ। लेकिन बात ये है, ये एक पार्टी नहीं, ये सारी पार्टियों ने सनातन और हिंदुओं का मखौल बना रखा है। इसमें हमें संत समाज और सनातनियों की भी कमजोरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमने भगवान कृष्ण की गीता को मरने का साधन बना लिया। परिवार में किसी बुजुर्ग के प्राण नहीं निकल रहे, उसे 18वां अध्याय गीता का सुनाओ, गंगा जल मुंह में डालो, जल्दी प्राण छूट जाए। और कथावाचकों ने दुकानदारी बना लिया, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो, नोट इकट्ठे करो, आश्रम चलो। जबकि भगवान कृष्ण ने कहा समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से कभी शस्त्र से। जिस दिन हम संत समाज शस्त्र उठाएगा, ऐसी टिप्पणियां करने की किसी भी राजनीतिक नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही कह रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। सुनिए, हाँ परमन जी सुनिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबकी मातृभाषा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर हिंदी नहीं, पर मैं समझ नहीं पा रही, कांग्रेस के नेता शशि थरूर को कारण है, शशि थरूर को दोबारा एक ट्वीट करना चाहिए
और बताना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। जानबूझ के इन तीन शब्दों का जिक्र करना, एक के बाद एक चोट पहुंचाना, हिंदुओं की आस्था को हर बार इस तरीके से धूमिल करने की कोशिश, क्या बताता है कांग्रेस की मुश्किलें बेशक इसमें बढ़ने वाली है। राम मंदिर के लिए लगातार माहौल गर्म है। प्रयागराज कुंभ में वीएचपी की धर्म संसद से हुंकार। वीएचपी बोली, जो आंदोलन से जुड़े वही मंदिर बनाएंगे। कि 1984 से जो संत इस लड़ाई को लड़ रहे, जो धर्म संसद निर्णय कर रही है, जो अखिल भारतीय मार्गदर्शक मंडल इस बारे में विचार करता है, मंदिर तो वही लोग बनाएंगे। जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारता भारती। बाबा रामदेव का ऐलान, राम मंदिर के लिए आहुति देने को तैयार। अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने मंदिर बनाने की तारीख रखी 21 फरवरी। आराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। बीजेपी का नारा, मंदिर वहीं बनाएंगे। चुनाव आ रहा है, मैं कहना चाहता हूं हर कार्यकर्ता को, मन में से कंफ्यूजन निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वही राम जन्म स्थान पर जल्दी से जल्दी भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए। राम राम जपना, मंदिर कब बनेगा अपना। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 5 बज गए हैं, 4 बजे से लगातार कुंभ में राम के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर जो धर्म संसद हो रही है, विश्व हिंदू परिषद की 2 प्रस्ताव अभी तक पास किए जा चुके हैं। मोहन भागवत जो है वो संस्कृति और धर्म पर बात तो करते हैं, लेकिन राम मंदिर पर आज नहीं कल बात करने की बात सामने आ रही है। बाबा रामदेव विश्व हिंदू परिषद के उस मंच पर सामने आते हैं, आह्वान करते हैं राम मंदिर के लिए, हम सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या माहौल बनाने से राम मंदिर बन जाएगा? सिर्फ माहौल की जरूरत है या फिर एक इच्छा शक्ति की जरूरत है या फिर अच्छी नीयत की जरूरत है? और अच्छी नीयत का जब जिक्र होता है तो कांग्रेस के शशि थरूर का ट्वीट जरूर याद आता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन 280 लेटर्स कैरेक्टर्स में शशि थरूर की बदनीयत नजर आती है। और बदनीयत इस बात को लेकर है कि मैं कैमरास की नजर में बने रहना चाहता हूं, लाइमलाइट लेना चाहता हूं, इसके लिए मुझे हिंदुओं को ठेसी क्यों ना पहुंचानी पड़ जाए, इसके लिए मुझे हिंदुत्व को बदनाम ही क्यों ना करना पड़ जाए, इसके लिए मुझे हिंदी को नीचा ही दिखाना क्यों ना पड़ जाए, यही किया है शशि थरूर ने। सबसे पहले वो ट्वीट आपको देखना चाहिए, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद 5 बजे वो खत्म हो गई है, कुछ ही देर में विजय शंकर तिवारी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ेंगे, सारे खास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ हैं। लेकिन पहले वो ट्वीट तो आप देख लीजिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये शशि थरूर ट्वीट करते हैं। कुंभ को लेकर अब से कुछ दिन पहले ट्वीट किया और ये लिखा, जब पूरी कैबिनेट योगी आदित्यनाथ की गंगा में स्नान कर रही थी तो ये कहा, गंगा में सब नंगे हैं, जय गंगा मैया की। फिर से देखिए, हिंदू हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है, हमें एकता की जरूरत है, समानता की नहीं। इसके क्या माने हो सकते हैं, एकता की जरूरत समानता की नहीं? बाबा अवस्थी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। बाबा अवस्थी देखिए, एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूं कि शशि थरूर जी की पत्नी सुनिंदा पुष्कर जी की आज 13वीं की 5वीं वर्षगांठ है। तो
शशि थरूर जी का मानसिक जो है, हो सकता है कि कुछ भटका हुआ हो, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बिगड़ा नहीं भटक गया हो, भटक गया पत्नी वियोग में। उन्होंने अगर हिंदी हिंदुत्व और उसकी बात कही है तो उनको आज के दिन क्षमा कर दीजिए, उनकी पत्नी का आज जो है क्षमा कर दें। आपको लगता है हिंदू 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 इनको क्षमा कर देंगे? कंप्यूटर बाबा भी, कंप्यूटर बाबा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड आशीष जी, मैं जरा, दो मेहमान हमारे यहाँ पर है, विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट आइए आइए प्रियंका जी, इनका कोई इनका लेना देना नहीं, उनका अपना निजी बयान है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आज वो पत्नी वियोग के में जो है वो है। लगता है कि वो भटक गए। पत्नी वियोग था जब कह रहे थे, कई बार इनके विवादित बयान आए हैं, ये गलत है। देखिए ऐसा है, देखिए हिंदी हो तो हिंदी आप लोग, हिंदी राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। एक सेकंड, हिंदी राष्ट्र उनकी कांग्रेस क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के बयान गांधी और नेहरू के जो है स्थापित मूल्यों पर चलती है। गांधी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। गांधी और नेहरू को भी आपने शर्मिंदा कर दिया। आपके पार्टी में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अटैक करना चाहते हैं और अटैक हमेशा हिंदुत्व करेंगे। अपने आप को क्यों ये इस बात का घमंड होना जरूरी है कि हम लिबरल हैं? सवाल इस बात का, इतनी बड़ी पार्टी है, आप विजय शंकर तिवारी जी, सुना आपने नया ट्वीट आया है? कांग्रेस प्रेसिडेंट के बयान को सुना आपने? नया ट्वीट आया है, हिंदी हिंदू हिंदुत्व देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश को एकता की जरूरत है, समानता की जरूरत नहीं है। वाया शशि थरूर, बाबा अवस्थी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पुराने दिग्गज नेताओं में से एक है, ये कह रहे हैं कि पत्नी वियोग में शशि थरूर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अरे सर, उनकी पर्सनल लाइफ के संदर्भ में आप हिंदुओं को बदनाम करेंगे? फसाइए नहीं लियाका जी, भटक गया है ये, देखिए। अच्छा, भटक गया, मानसिक संतुलन भटक गया है। इस तरह से मानसिक संतुलन भटक गया है, इस तरह से मत कहिए। आपके जो है, जो शीर्षस्थ नेता है, राहुल गांधी जी अविवाहित है, कहीं उनका भी दिमाग न भटक जाए। नहीं नहीं सर, पर्सनल अटैक क्यों करना है? ट्वीट नहीं, नहीं परमहंस जी प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ। जो काम शशि थरूर कर रहे हैं वो काम हम लोग यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी का अपमान करेंगे? विजय शंकर तिवारी, बड़ा कुंभ मेला चल रहा है और करोड़ों संत यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं? राष्ट्रीय चैनल पर हम इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? और मैं आपसे कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने गांधी के नाम पर राजनीति कर गांधी का अपमान किया। गांधी जी ने जेल में रहते हुए नेहरू जी को चिट्ठी लिखी, जब तक मैं हिंदू हूँ तब तक मैं मुसलमान और हिंदू महासभा की, और जब हिंदू महासभा की पूजा पांडे कल वो खिलौने वाली बंदूक लेकर बापू के उस एफजी पर हम उनका समर्थन नहीं करने से क्या होता है? समर्थन करने से क्या नहीं होता है? मोदी जी गांधी जी के स्वच्छता के मिशन को लेकर और वहाँ पर गोडसे के नारे लग रहे हैं। वो पूजा वहाँ पर गोडसे जिंदाबाद कहा जा रहा है, मतलब आप क्या, कहाँ देश पहुँच रहा है? विचारधारा के लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, गांधी का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कंप्यूटर बाबा पूछिएगा, आप खोए हुए आज नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विषय क्या चल रहा है, मैं अभी आया हूँ तो विषय समझ। अरे आप, विषय तो हमें राम मंदिर का जिक्र करना था, लेकिन शशि थरूर बाजी नहीं आ रहे अपनी आदतों से। वो कैटल क्लास से शुरू हुआ सिलसिला आज तक चले आ रहा है। कंप्यूटर बाबा, हो सकता है पहले बीजेपी के साथ हो और मोहब्बत आज आपकी कांग्रेस के साथ उमड़ रही हो और आप शशि थरूर पर जिक्र ना करना चाहें, लेकिन शशि थरूर हिंदी हमको कांग्रेस से और हिंदू कहा है। शशि थरूर ने, उन्होंने कहा है कि हिंदी हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है। देखिए, एक लाइन है, नहीं मुझे न कांग्रेस से मतलब है और न बीजेपी से मतलब है, मुझे तो राम मंदिर से मतलब है। राम मंदिर बनेगा, हिंदू पार्टी नहीं, नहीं हिंदू जो है ये हिंदुत्व का मूर्ख नहीं बनाएंगे, सनातन धर्म को लोग मूर्ख नहीं बनाएंगे, कोई पार्टी मूर्ख नहीं बनाएगी और ना ही संतों को कोई मूर्ख बनाएगी। अब तो संत उनके साथ हैं जो राम मंदिर के साथ हैं, बस ये है पॉइंट। सही बात है, नहीं तो बाबा आप हैं राम मंदिर के साथ, बिल्कुल बाबा राम मंदिर के साथ हैं आप। बलिदान दिया बाबा, कह रहे हैं हम मंदिर वालों के साथ हैं, बाबा कर रहे हैं पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अगर आप ये कह दें, अगर आप ये कह दें भैया मंदिर हम नहीं बना पाएंगे, मंदिर के साथ आप बोलिए ना, सबके सामने आप बोलिए मंदिर के साथ हैं। अरे आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, और आपका नेता हिंदू को गाली दे रहा है। आप अपने कौन लगे हुए हैं? कौन 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 मंदिर के लिए लगा हुआ है? योगी जी कौन?
कल्याण सिंह की सरकार चली गई। अरे सर कल्याण सिंह को छोड़ दीजिए, ऐसा है आप कल्याण सिंह को छोड़ने का नाम नहीं लेते, वो वहाँ पर नेहरू जी का को छोड़ने का नाम नहीं लेते। मैं आगे बढ़ने की बात नहीं, मुझे ये और किसी पार्टी ने नहीं दिया था, केवल भाजपा ने कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, अब उस मुद्दे से हट गए, अब कहते हैं मंदिर कहीं बनाएंगे, थोड़े देर के बाद मंदिर नहीं बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बड़ी बात है, आशीष जी रहने दीजिए, 2.77 एकड़ जमीन आपकी 0.313 तक मामला आ जाता है। अब रुक जाइए रूबिका, विजय शंकर तिवारी जी, रूबिका देखो किसी मामले को बहकाना नहीं चाहिए, ये श्री राम जन्मभूमि का मामला है, मंदिर कहीं और नहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा जो मंदिर लेकिन का स्थान। तारीख नहीं बताई जाएगी। एक महाराज जी आप थोड़ी सा आप रुक जाइए, तारीख तो आप लोग बताने वाले हैं, वो लोग बताने वाले हैं जो हमने बता दी, जो आज भी नहीं, आपने बता दी, कोई बात नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा ये है, तो इन्होंने बाजी मार ली, तारीख बताते हैं। रूबिका मैंने कहा तिवारी जी प्लीज, हाँ बता रहा हूँ मैं रूबिका, आज आप बैकफुट पर नहीं खेल सकते। नहीं हम बैकफुट में, हम फ्रंट फुट भी खेलते हैं हमेशा, राम जन्मभूमि वाले कभी बैकफुट पर रहते नहीं। तारीख तो इन्होंने बता दी, आप तो तारीख नहीं बता पाए। हम बता रहे हैं आप तो राम मंदिर बनाने के लिए संतों के साथ हो जाए, बीजेपी को छोड़े हैं। बाबा ये किसने कहा कि हम संतों के साथ ही हैं, किसके साथ हैं? तो घोषणा करिए किस तरह से किसी भी संत के साथ कोई प्रतिवाद नहीं करूंगा। अगर कोई प्रतिवाद करना पड़ा तो मैं मंच छोड़ सकता हूँ, पहली बात तो यह है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद के मन से किसी भी संत को, चाहे कोई भी संत हो, मैं सबकी आदर करता हूँ और ये मानता हूँ ये देश संतों का है, उन पूज्य संतों का है जिनकी शक्ति के बल पर ये सारा देश चलता है, उत्तर से दक्षिण चलता है। नहीं तिवारी जी, इसमें छुपा हुआ सच ये है, नहीं प्रतिवाद आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास, अगर ऐसा होता, कॉन्टेंट नहीं है, आप प्रतिवाद क्या करेंगे, किस बात पर प्रतिवाद करेंगे? देश में किसी भी डिस्कोर्स में ये शिया है ये सुन्नी है कभी डिस्कोर्स किया है आपने? आज संतों के बीच में डिस्कोर्स कर रहे हैं हम, ये सिया है तो वो तो आप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ना, आप कहां करते धर्म संसद में क्यों नहीं गए? संतों के बीच में आप क्यों नहीं गए धर्म संसद में? आप परम धर्म संसद में क्यों नहीं गए? हम लोग बहस नहीं करते, आपने बुलाया था, आप नहीं आए। महाराज जी क्यों नहीं गए आप? महाराज जी विश्व हिंदू परिषद संत नहीं है, धर्म संसद में संत जाते हैं तो आप कैसे कर रहे हैं? तो फिर आपने धर्म संसद बुलाई कैसे? अगर संत जाते हैं तो आपने बुलाई कैसे? महाराज जी आप बुला ही नहीं सकते, फिर तो आप जा नहीं सकते, बुलाए कैसे सकते? मैं प्रतिवाद नहीं करूंगा, धर्म संसद मैं प्रतिवाद नहीं करूंगा, विश्व हिंदू परिषद नहीं है, सुन लीजिए, बुलाई है विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद आया आज उसी की प्रतीक्षा कर रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद रहता है वो केवल कार्यकर्ता के रूप में रहता है, विश्व हिंदू परिषद ने सम्मान लाकर दुनिया में देश के एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं कि असल वाली ISI मार्क वाली कॉपीराइट वाली धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद की है? मंच से श्री राम जन्मभूमि का विषय उठा था और आज देश और दुनिया में घर घर छीन लिया वो विषय, जो बाबरी मस्जिद की बात करते थे वो छीन लिया, राम मंदिर की बात, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने छीन लिया वो मुद्दा आपसे, छीन लिया तारीख तक बता दी परमहंस जी, हमने कोई प्रतिवाद नहीं। देखिए ऐसा है, इनका जो है मेरा कहना यह है कि चाहे जो भी है सब राम मंदिर की बात करें, अब विश्व हिंदू परिषद को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी आगे आएगा हम उसके पीछे चलेंगे, तब तो भी ठीक है। पीछे नहीं, आगे आएगा पीछे चलेंगे, मतलब विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि वो आगे चले, कोई भी चाहे शंकराचार्य हो चाहे आपके द्वारा आहूत धर्माचार्य हो, जो भी राम मंदिर बनाने के लिए आगे चले तो भी उनका साथ दे। चार ईट आई है, पहली ईट देने वाला जगदीश शर्मा कौन था? एक बार कौन था बाबा वस्ती? मैं बता दूं कौन बताइए, राहुल गांधी का नजदीकी व्यक्ति है जी, और जो पार्टी कौन है पूछा तो बाबा वस्ती करती है, तो मान ले कांग्रेस मंदिर बनवाएगी, तोगड़िया जी को क्यों निकाला? वो राम मंदिर की बात करते थे, क्यों निकाल दिया इन्हें? वो संतों के तिवारी जी, बड़ी बात है, कंप्यूटर बाबा सवाल पूछ रहे हैं, निकाला गया हमको, उनको परेशान कर दिया, एक एक करके बड़ी बात है, की बात करते
सुनिए विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, योगी जी रुकिए, योगी जी रुकिए, कंप्यूटर बाबा और विजय शंकर तिवारी, मैं आप चाहते प्रतिवाद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वाद विवाद होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। पहले पहले कंप्यूटर बाबा एक बात कहना चाहते हैं, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी, आप कह रहे हैं राम मंदिर कोई भी बनाएगा, चाहता हूं राम मंदिर कोई भी बनाएगा, बात करेंगे उसने हम संतों के साथ प्रवेश, शिया और सुन्नी पर, शिया और सुन्नी पर रूबिका लियाकत बहस करने को तैयार है, लेकिन पहले प्रभु राम का जिक्र कीजिए, पहले प्रभु राम के मंदिर का निपटारा कीजिए, मैं कर लूंगी, किसी भी संत के मुझे किसी का खौफ नहीं है, विजय शंकर तिवारी साहब मुझे सिर्फ ऊपर वाले का अल्लाह का खौफ है, मुझे किसी का खौफ नहीं करना है, करने को तैयार हूँ, पर आज मन शिया सुन्नी का नहीं है, कंप्यूटर बाबा सवाल पूछ रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए, इनके साथ कराइए प्रतिवाद, आप सुन लीजिए, और कोई पार्टी कब लाइए उनके साथ, तो सुन लीजिए, नहीं क्यों, संत के साथ कोई प्रतिवाद नहीं करूंगा, संतों को बांट दिया गया है तो आप क्यों नहीं करेंगे, अपनी बात कहिए, हम ये पूछना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद से कि तोगड़िया जी कितनी मेहनत करी है राम मंदिर के लिए, और राम मंदिर की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है तोगड़िया जी को बाहर कर दिया, विश्व हिंदू परिषद में कहीं ना कहीं खोट तो है, इसलिए आपने उनको बाहर कर दिया, और यदि राम मंदिर की बात वो कर रहे हैं, आप बांटने की बात मत करिए, नहीं तो जगदीश शर्मा राम मंदिर की बात करे तो आपको परेशानी क्या है, राम मंदिर बन रहा है ना, आप हाँ। चलिए साथ में, क्या दिक्कत हो सकती तो है, वही तो हम लोग भी कहना है, हाँ नहीं नहीं उनको निकाला, माइक लीजिए, हाँ ये प्रतिवाद नहीं, आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, महाराज जी, महाराज जी रहेगा, महाराज जी विश्व हिंदू परिषद सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, राजनीति का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की यहाँ से करते हैं, यहाँ से विनय कटियार को राजनीति करनी, जामा मस्जिद की अपील नहीं होती है क्या बाबा सिद्दीकी, बाबा अवस्थी को राजनीति करनी, अरे जामा मस्जिद की अपील नहीं होती है क्या, जुमे की नमाज में अपील नहीं होती है कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब कांग्रेस में कैसी बातें कर रहे हैं बाबा अवस्थी, सहारा था आज विश्व हिंदू परिषद और संघ वो बीजेपी में जाने का सहारा बन गए हैं, वहाँ जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का सहारा लिया जाता है, और विश्व हिंदू परिषद अब सरकारी तोते की तरह सरकार की बात बोलती है, अशोक सिंघल जी को धोखा दे दिया, केवल सरकारी तोता, देखिए अशोक सिंघल जी ने कहा था, अरे शंकर सिंह बघेला कौन है, शंकर सिंह बघेला कौन है, शंकर सिंह बघेला कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, गुजरात के वो तो 3 वर्ष से शिक्षक है कि नहीं, मैं चाहती हूँ इस डिबेट में सब हिस्सा ले और आप देखिए यहाँ पर परमहंस जी कब से चुप हैं, मौनी बाबा भी मौन धारण कर चुके हैं और गुरुजी आप भी मौन धारण कर चुके हैं, वजह क्या है, चोट आपको शशि थरूर के ट्वीट की वजह से लग गई है, चोट आपको आज हो रही धर्म संसद की वजह से लग गई है, शशि थरूर का एक अलग मैटर है, उनका बयान घृणित है ठीक है, लेकिन यहाँ राम मंदिर की चर्चा चल रही है, मौजूदा सरकार ने प्रॉमिस किया था राम मंदिर देने के लिए, जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला था तो कहे राम काज में जो पिछड़ा है मर्द नहीं हिजड़ा है, आज बीजेपी वाले स्वयं अपने बयान से क्या बताए, सब हिजड़ों की पार्टी हो गई है, आज ये क्यों इनका जो है नारा था अटल जी का नारा था, मैं बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ परमहंस जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है महामंडलेश्वर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है, में आज वो आ चुके हैं, नहीं नहीं मुझे आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है आपका ये शब्द हिंजड़ा इस्तेमाल करने में, हिंजड़े से खराब का क्या मतलब है, नहीं वो क्या मतलब है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्होंने कहा इनका नारा था, नहीं नहीं मैं कह रही हूँ, किन्नर भी तो हमारी ही तरह है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, और अब किन्नर है, तो वो नारा नहीं, मुझे घोर आपत्ति है सर, मुझे घोर आपत्ति है इस चीज से, मुझे घोर आपत्ति है, अर्ध नारेश्वर भूल गया कैसे भूल सकते हैं, क्या मतलब है सर, क्यों नहीं कहते हैं आप, उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए ना, आप थोड़े ही सर्टिफिकेट देंगे गुरु जी, देखिए ना आप, देखिए जूना अखाड़े में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है, अरे आप जूना अखाड़े में शामिल हुए हैं कि नहीं, पहले आप देखिए, नहीं अर्धनारेश्वर अलग बात होती है, नहीं क्या आप अर्धनारेश्वर को हिजड़े के साथ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कर सकते, अर्धनारेश्वर तो भगवान शंकर का नाम है, मैं इस पर डिबेट करवा दूंगी, लक्ष्मी किसी दिन यहाँ पर होंगी उनके साथ आपकी डिबेट करवा दूंगी, लेकिन मेरी घोर आपत्ति है, मुझे आपत्ति दर्ज करनी थी, बात खत्म मौनी बाबा, बात खत्म मौनी बाबा, मंदिर पे रहिए, लोग शांत रहे, अपनी अपनी बात पे लोग बोले, राम मंदिर की सियासत को लेकर बड़ी तकलीफ है, राम मंदिर की सियासत को लेकर बड़ी तकलीफ है, लगता है लोग राम से ही रोटी सेकेंगे,
और जब कोई रास्ता किसी के पास नहीं बचता तो गाली देने से लोग नहीं चूकेंगे। आज जो ट्वीट भारत पे हो रही है, भारतीय संस्कृति पे हो रही है, भारतीय संस्कार पे हो रहा है, इससे हमको डिबेट में मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा था कि ऐसे लोग भी इस टीवी पे चर्चा आने के लिए बुला दिए जाते हैं जो भारत माँ को गाली देते हैं, संस्कृत को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं। ऐसे लोग केवल चर्चा में रहने के लिए ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं। पहले मीडिया को चाहिए, सरकार को चाहिए, कोर्ट को चाहिए, ऐसे लोगों के समाचार तत्काल निरस्त किए जाए, इसको प्रसारित न किया जाए। इससे पूरा समाज हताहत होता है, भावनाएं दुखी होती हैं, पूरा संत समाज इस बात से अत्यंत पीड़ित है। एक के बाद एक मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक के बाद एक, और मैंने कल भी कहा था कि राजनीतिक पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी हैं, उनको जिम्मेदारी से इस पर तत्काल अपना बयान रखना चाहिए कि मैं भारत की संस्कृति के साथ हूँ, हिंदू के साथ हूँ, हिंदुत्व के साथ हूँ, कि मैं भी राष्ट्र का विरोध कर रहा हूं। यदि यह स्थिति है तो भारत माता में रहने वाले लोगों को फिर जगह कहां से मिलेगी? अगर हर महात्मा केवल गाली खाने के लिए है तो मैं निश्चित रूप से इस डिबेट से आज के बाद यह घोषणा करता हूं कि महात्मा डिबेट बंद कर देंगे, क्योंकि महात्मा गाली खाने के लिए नहीं है, महात्मा राष्ट्र के लिए है, संस्कृति के लिए है, राजनीतिक दल के लिए। आप पता है दर्शकों का नुकसान करेंगे, आप देश का नुकसान करेंगे। शशि थरूर तो चाहते ही हैं, शशि थरूर के कहने से आप डिबेट बंद कर देंगे? नहीं महाराज, क्या शशि थरूर के कहने से आप डिबेट में आना बंद कर देंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ पूरे समाज को ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, ऐसी निंदा होनी चाहिए। निंदा ठीक है, लेकिन हम क्या शशि थरूर क्या होते हैं? कभी भी होते हैं मंदिर में नहीं गए, इसके आज हम जरूरत पड़ी बात करनी चाहिए। क्योंकि मंदिर में गए क्षमा मांगने नहीं, अगर अगर क्षमा नहीं मांगते कांग्रेस के लोग हिंदू नाम ही नहीं जानते, तो मैं पंचरंगी कहता हूँ। पंचरंगी स्थिति कांग्रेस की बनी रही, एक तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस में बोलूंगा, कांग्रेस के तमाम नेता सब इस चीज का विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए संस्कृति महान है। मौनी बाबा, आप एक बात बताऊं आपको, ये अभी बहुत से कांग्रेस के लीडर्स ये डिबेट देख रहे होंगे, बहुत से कांग्रेसी हैं जिनके मन में पीड़ा होगी, बहुत से हिंदू कांग्रेसी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हर बार शशि थरूर ऐसे ही हमारे पीठ पर छुरा भोंकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सामने आकर नहीं बोल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करे तो उन सारे पार्टी लीडर्स से, पार्टी के नेताओं से ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आइए, शशि थरूर के खिलाफ अगर आपके मन में कुछ है तो कहिए, क्योंकि हिंदी, हिंदुत्व, हिंदू का जिक्र करके और सारे हिंदुओं को बदनाम करना ये बताता है कि वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और बदनाम आपको और आपकी पार्टी को कर रहे हैं। इस पर FIR दर्ज होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा 125 करोड़ देशवासी। महाराज जी, फिर मुझे ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, मैंने अभी ये जो टिप्पणी इसने कही है इस पे 295 ए का पर्चा दर्ज होता है और मैं हिंदू तख्त चलवाता हूँ उसकी ओर से हम इस पे पर्चा दर्ज करेंगे, लेकिन बात यह है कि आज का हमारा मुद्दा था राम मंदिर। हाँ, ये बात, ये राम मंदिर था, और सबसे बड़ी बात के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा विश्व घूम चुके लेकिन अभी तक अयोध्या नहीं गए। वाह, सही। तो हम मंदिर की आशा क्या करें? आज देश के अंदर जैसे ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी कारण है कि हमारे जितनी भी पार्टियां देश में है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, कोई और पार्टी है, वो कहती है कि देश धर्म निरपेक्ष है, लेकिन हमें धर्म निरपेक्षता की भाषा समझ नहीं आई। आज तक कोई गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सरकार के अंडर नहीं, लेकिन देश के जितने मंदिर मठ है वो सरकार के अंडर है, सरकारों की तनख्वाहें जाती हैं। और देश के अंदर जब हम सनातनी कोई बात करते हैं तो आप लोग, मीडिया भी, कोर्ट का भी, महाराज जी कह रहे थे सम्मान, वो सारी बातें सनातन पे लागू होती हैं और किसी पे नहीं। हमारे देश के अंदर जब असलाम ने भारत माता का विरोध करना है, बंदे मातरम का विरोध करना है, सूरज महाराज का विरोध करना है, चार शादियां, 16 बच्चे पैदा करने हैं, तो कुरान ले लेते हैं, बाकी जगह संविधान ले लेते हैं, तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ है? आज 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 मैं आपके इस बात से 100% जो है अग्री करती हूँ, और बार बार यही बात आज रामदेव भी कह रहे थे उस मंच से कि एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता है, जब एक देश एक कानून आ जाएगा तो ये सारी चीजें ही खत्म हो जाएगी। इस वक्त हम कुंभ नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर संतों का मेला लगा हुआ है, धर्म संसद का भी मेला लगा हुआ है, लेकिन एबीपी न्यूज तो एक ही सवाल पूछ रहा है कि कब तक राम राम जपेंगे, मंदिर पर कब आगे आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे,
तारीख कब बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब तो ये संत कहने लगे हैं कि पहले कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, अब कह रहे हैं मंदिर कहीं भी बना लेंगे, फिर एक वक्त आएगा जब कहेंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, और इसी खौफ में धर्म संसद पर धर्म संसद हो रही है। लेकिन क्या इस धर्म संसद का कोई मतलब भी निकलेगा मौनी बाबा? ये राम मंदिर बनेगा कब, बहुत ध्यान सुनिएगा, राम मंदिर बनेगा कब? कहा जब राम जी में सच्ची आस्था होगी तब। राम जी में सच्ची आस्था होगी कब? कहा जब विश्वास होगा तब। कहा विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। कहा श्रद्धा होगी कब? कहा जब प्रेम होगा तब। कहा प्रेम होगा कब? कहा जब समर्पण होगा तब। समर्पण होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। कहा सेवा होगी कब? कहा जब सत्संग होगा तब। सत्संग होगा कब? कहा जब साधन होगा तब। साधन होगा कब? कहा जब संस्कार होगा तब। संस्कार होगा कब? कहा जब चरित्र होगा तब। चरित्र होगा कब? कहा जब हिंदुत्व होगा तब। हिंदुत्व होगा कब? कहा जब भारत होगा तब। भारत होगा कब? कहा जब भारतीय संस्कृति होगी तब। भारतीय संस्कृति होगी कब? कहा जब देश सुरक्षित रहेगा तब। देश सुरक्षित रहेगा कब? कहा जब राम की मर्यादा बची रहेगी तब। राम की मर्यादा बची रहेगी कब? कहा जब राम की मर्यादा पे विश्वास करेंगे तब। राम की मर्यादा पे विश्वास करेंगे कब? कहा जब राम के पग चिन्हों पे चलना चाहेंगे तब। राम के पग चिन्हों पे चलेंगे कब? कहा जब राम को अपना देवता मानेंगे तब। राम को देवता मानेंगे कब? कहा जब राम का अवतार मानेंगे तब। राम का अवतार मानेंगे कब? कहा जब अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानेंगे तब। अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानेंगे कब? कहा जब पूरे देश के लोग राम जी पर सियासत करना बंद कर देंगे तब। या संभव होगा कब? कहा जब राम जी को वोट का सहारा नहीं मिलेंगे तब। कहा राम जी से वोट का सहारा नहीं लेंगे कब? कहा जब राम जी में सच्ची आस्था हो जाएगी तब। राम जी में सच्ची आस्था हो जाएगी कब? कहा यही तो सबसे कठिन प्रश्न है। कहा राम जी में सच्ची आस्था हो जाएगी कब? कहा जब तीर्थराज प्रयाग में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के भाव को समझेंगे तब। कहा उनके भाव को समझेंगे कब? कहा जब आप भी उनके साथ गंगा में डुबकी लगाते हुए राम राम से होने वाले उस विश्वास के स्वर को सुनेंगे तब। कहा यह सब देखने और सुनने के लिए आपके मन में ज्ञान पैदा होगा कब? बहुत मेरा गला रुक रहा है। कहा ज्ञान पैदा होगा कब? कहा जब राम जी से अपनी सियासत करने वाली बात को बंद कर देंगे तब। राम जी से सियासत बंद होगी कब? कहा जब राम जी को परमात्मा मान करके सियासत करने वाले लोग आज से राम जी को छोड़ देंगे तो राम मंदिर बन जाएगा। हमें लगता है राम जी को टेंट में रखते रखते कई पीढ़ियां बीत जाएगी, मेरे दर्द को कोई समझेगा नहीं, आंसुओं के सहारे हम भीगते रहेंगे, करोड़ों मर जाएंगे संतराम के लिए, लेकिन इनके लिए रोटियां सिकती रहेंगी। रोज सरकार की कुर्सी पे आएंगे, चले जाएंगे, बहाने बताएंगे, कभी कोर्ट जाएंगे, कभी पत्रावली लाएंगे, कभी बात करेंगे, कभी सियासत करेंगे, लेकिन राम के लिए कभी मौका नहीं पाएंगे। हो सके तो याद कर लीजिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर दीजिए। मोदी जी देश की जनता आपसे कहती है, अपनी याद और अपनी बात को पूरी कर दीजिए, अन्यथा कलंक का टीका रह जाएगा। जो कुछ बचेगा वह इतिहास लिखा जाएगा, कहने वाले कह देंगे मानते रहे वोट रोज, लेकिन राम के लिए चोट नहीं लगी उनको। मैं भी आपसे अपेक्षा ये करता हूँ, सियासत नहीं करता, राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, किसी दल का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं हूँ, रामलला का भक्त हूँ, उनके लिए कहता हूँ हो सके तो न्याय कर दीजिए, अन्यथा नेता लोग राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दीजिए, हम सारे लोग विचार करके राम मंदिर बनाने उन्होंने जो बाबा जी ने कहा कि परमात्मा राम ब्रह्म राम को अवतार राम को मानेंगे तब, और आप ये लिख लीजिए विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राम को अवतार नहीं मानती, आदर्श राम मानती है और आदर्श राम का पुतला बनाना चाहती है। मोहन जी भागवत से लेकर सबने कहा हम आदर्श के नहीं मानते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन नाम पर शक करने वाले बैठे हैं, रामदेव बाबा की बात सुन लीजिए, मामा मानते हैं और अवतार नहीं, अवतार नहीं, अवतार नहीं, अवतार नहीं। एक सवाल, एक सवाल तो बड़ा है, सवाल का जवाब तो देना है। अवतार नहीं, वोट का अवतार मानते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। यदि
हम राम जनता पार्टी की मंदिर बन जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। भगवान है हम उन पर विश्वास करते हैं और राम पर राम सेतु पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले कांग्रेस के लोग हैं। आदर्श राम का पुतला बनाएंगे, राम मंदिर ब्रह्म राम का परमात्मा राम का होता राम का मंदिर बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं आप, 21 फरवरी के बाद बात खत्म हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा? खत्म हो न हो लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, हम लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पर ये तो वीएचपी कहती थी, अब आप क्यों छीन ले गए? क्या छीन क्यों ले गए? क्या वजह है? कंप्यूटर बाबा की बात हमारे शंकराचार्य कंप्यूटर बाबा लाठी लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो वीएचपी कहती थी। परम धर्म संसद ने कब से ले लिया इसको? संतों ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी, कांग्रेस के माध्यम से महोदय बस एक सेकंड कंप्यूटर। देखिएगा मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़ दे, ये धर्म में तो राजनीति ना करे तो मंदिर बन जाएगा। यदि 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 ये मंदिर पे मंदिर यदि बना दें, ये आज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? योगी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया था, हम संत समाज ने सबने कहा कि नहीं यहां एक संत तो कम से कम मुख्यमंत्री बने, इसलिए बने कि यहां राम मंदिर बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नीचे पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति तक सब बीजेपी के हैं और एक दो तिहाई बहुमत है प्रदेश में भी और देश में भी। अच्छा, इसके बाद भी इसके बाद भी राम मंदिर नहीं बना रहे बाबा, हम इसका मतलब है कंप्यूटर बाबा क्या क्या, क्या आपको क्या लगता है? मैं अगले साल भी आऊंगी इसी पर चर्चा करने, मंदिर कब बनाएंगे आपको लगता है? नहीं मुझे बताइए। नहीं मुझे ऐसा लगता है यदि हम राजनीति पार्टियों के साथ लगे रहेंगे, ये मंदिर की बात करते रहेंगे तो ये कारोबार चलता रहेगा जिंदगी भर। अगर उनको ये याचिका लगाई आपने सरसठ एकड़ भूमि की, आना पड़ेगा। अगर आपको वो सरसठ एकड़ भूमि की बात थी तो अलग अलग आगे आ रहे हैं ना, तभी आपको राम मंदिर याद आता है। एक है और आशीष गुप्ता बीजेपी के नेता परिषद का फर्ज था कि नहीं था कीजिए, बीजेपी के नेता से पूछिए, विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछिए, आपने क्यों विरोध नहीं किया मंदिर तोड़ने का? पूछिए मंदिर क्यों तोड़े गए? देखिए क्यों तोड़े गए नहीं कहा मैंने, तोड़े उसका विरोध क्यों किया नहीं? नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए हर मंदिर को राम मंदिर जैसे राम जन्मभूमि से जोड़कर आप नहीं देख सकते। नुकसान पहुँचा है ये माना जाएगा, नुकसान पहुँचा उसके लिए विकास होना जरूरी था और कुछ नुकसान नहीं हुआ। शिवलिंग को 126 शिवलिंग गटर में से मिले, ये करना था आपको? बात नहीं है गुप्ता जी, जवाब दीजिए। अरे पर आप तो बीएचपी की तरफ से ना, आप बीजेपी की क्यों बात कर रहे हैं? वो रहे ना बीजेपी के नेता को आप भूल गए क्या? सरकार आप भूल गए क्या योगी जी? आप भूल गए क्या? नहीं आप भूल गए, आप बीएचपी से बीजेपी से नहीं, ये बात है। अच्छा याद आ गया, मुझे पसंद आ गया। मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार ऐसा लगता है कोई भी मुझे ऐसा लगता है पोल खोल दी योगी जी ने, पोल खोल दी। नहीं मुझे वो विजय शंकर तिवारी जी, अगर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज तो ये आप कह रहे थे हम राजनीतिक संगठन नहीं है, अरे छोड़ दीजिए पोल खोल दी, हम राजनीतिक संगठन नहीं है। पर योगी जी ने अपनी मासूमियत में बता दिया कि हाँ बात तो सही है, मैं तो बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, जबरदस्ती ही ले रहा हूँ। सच का साथ दे रहे, सच का नहीं बीजेपी का, वो बीजेपी सच नहीं है, वो जनता का चाहते हैं। अब संतों को नया नारा देना पड़ेगा, संतों को नया नारा देना पड़ेगा। सुनिए अरे सुनिए गुंडे महाराज जी, सुनिए संतों को 3000 मंदिर तोड़ दिए, क्या धर्म की? सुनिए सुनिए संतों को नया नारा देना पड़ेगा, नया नारा देना पड़ेगा कुंभ नगरी से, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सनातनी और संत नहीं होने देंगे बदनाम। बिल्कुल सरकारें बहुत बन गई, अब राम मंदिर बनना चाहिए, यही अग्नि परीक्षा का वक्त है। अब ये कहना चाहूंगा, एक मिनट में आपसे बताना चाहूंगा, बता दूं कि मध्य प्रदेश आ गई, क्या ब्रेकिंग है सर? अमित शाह जी ने कहा नई याचिका से मंदिर निर्माण का रास्ता खुलेगा। अच्छा अब नहीं आपने तो मेरी जगह ले ली बाबा अवस्थी जी, ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी। अब मुझे अब नई याचिका से मंदिर निर्माण का रास्ता निकलेगा। अब आप ये नई याचिका की बात सुन लीजिए, अब शंकराचार्य जी वाले रास्ते से नहीं जाएंगे,
हम कह रहे हैं बीजेपी वाले स्पष्ट कर दें कि 10 तारीख को बसंती स्नान करके अयोध्या कूच करेंगे, जगत राहुल आएंगे कि नहीं, राहुल गांधी आएंगे। राहुल जी ने कहा उन्होंने कि हमारे पिताजी ने ताला खुलवाया, मंदिर हम बनाएंगे। अभी तो कांग्रेस के लोग कह रहे, अभी कांग्रेसियों ने कहा हम बनवाएंगे, कैसे बनाओगे, गोली खाने चल रहे हो, हिंदू हिंदू तुमको गाली दे रहे हो, जवाब दीजिए। बाबा अवस्थी मेरी बात तो सुन लीजिए, गोली चलाने वाला बाबा अवस्थी सुनिए, वो चलाएंगे मारेंगे उठाएंगे, गोली चलाने वाले हैं ना, गोली आप खड़े हो, अरे संतों के साथ वो आ जाएंगे, संतों के साथ, एक सेकेंड आशीष, संतों के साथ आ जाएंगे। अरे बाबा अवस्थी मेरा सवाल सुनिए ना, संतों के साथ प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहेंगे तो आएंगे। मोदी जी अगर कह दें कान पकड़ के कि मैं मंदिर नहीं बनवा पाया, अच्छा तो राहुल जी ये से नाक है, इतना घमंड सर, कि राम मंदिर बनाने के लिए एक को झुकना पड़े, दूसरा थोड़ा कह दे, अरे सर प्रधानमंत्री प्रधान ना 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 एक बार किसी की जरूरत नहीं, ना राहुल की, ना प्रियंका की, ना मोदी की, मंदिर तो चलो हम आपके साथ हैं, तुम लोग आपके साथ हैं, तुम्हारे साथ है भाई, आपके साथ है, चलो मंदिर बनाओ, तुम्हारी किसी की आप बनाओ ना मंदिर, हमें तुम्हारी किसी की जरूरत नहीं, तुम लोग नहीं बनाओगे, संतों को छोड़ दो, नहीं बनाएंगे, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल जी आएंगे कि नहीं, आप लोग बनवाओ, अरे मैं कुछ कहना चाहता हूं, बनवाओ, अरे हम आपके साथ हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं, आप नहीं, बाबा अवस्थी छोड़ दीजिए, आप यहाँ कुंभ में बैठ के कुछ और बात कह रहे हैं, वहाँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कुछ और चल रहा है, शशि थरूर हिंदू हिंदी हिंदुत्व जो है वो देश को तोड़ रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर पता नहीं क्या ही खिचड़ी पका रहे हैं। जो कहना चाह रहा कि देखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेशों में हजारों मंदिर तोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 3000 मंदिर से ज्यादा तोड़े, हजारों मोहन मंदिर तीनों जगह तोड़े हैं, तो क्या हादसा हुआ आपने देखा, तीनों जगह बीजेपी चली गई, और ऐसा ही मोदी जी ने यदि राम मंदिर नहीं बनाया तो केंद्र में भी मोदी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी। 2019 क्लियर कर दूं, हमारी सरकार पहले भी कुर्बान हुई है, हमारी सरकार पहले भी कुर्बान हुई है, फिर हो जाए कोई चिंता नहीं, अरे आपकी गलतियों के कारण हुई है कुर्बान, सुनो आपकी गलतियों के कारण कुर्बान हुई, आप बार बार वादे करते रहे, सुनो जब भाजपा की सरकार बनी साधुओं के खून पे बनी, साधुओं ने गोलियां खाई, कुर्बानी आपकी नहीं तो साधुओं की थी, भाजपाई की साधुओं के खून से खूनी कुर्सी बनी थी, लेकिन मंदिर नहीं बना, अगर आप कह रहे हो कुर्बान नहीं हो रहे आप धोखा दे रहे हो कौम को, आपको समाज देखिए हुई है, सरकार किसी पर की आए, हमें सरकार से मत बोली, हमें राम मंदिर से मत बोला, बिल्कुल भाजपा होगा अगला समय कोई मत बोली, लेकिन आप राजनेताओं की बात है, एक बड़ी बात है, आक्रोश दो भाव यहाँ निकल कर आए हैं, मौनी बाबा को देखा आपने, भावनात्मक था, सुनिए वो भावुक थे, और यहाँ पर और यहाँ पर महाराज को आपने देखा, ये आक्रोश है, आक्रोश है, मतलब आप समझिए, और दोनों ही पार्टी संत कोई तो है, और दोनों ही पार्टी, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग पार्टियों के चक्कर में क्यों हैं, आप लोग अपने में ही, भाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तो मामला सुलझ सकता है, अगर बीजेपी और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाह रही है तो क्या हिंदू मुस्लिम पक्षकार बैठ के क्या साधु संत ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि बार बार मामला सॉल्व हो जाए, मौका तो दे, शंकराचार्य की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और मुसलमान ने कहा था हम देने के लिए तैयार है, छोड़ देते हैं, और उस वक्त दोनों पक्ष की बात नहीं करने देते, आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं बैठना, वो कह रहे हैं 1988 में मुसलमान तैयार हो गए थे ये देने के लिए,
और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मना कर दिया कि हमको सरकार चाहिए, हमको आंदोलन करना है, इसलिए उन्होंने ये समाधान स्वीकार नहीं किया था। अगर ये कहा, ये कहा डॉक्यूमेंट है, ये कहा डॉक्यूमेंटेड है, ये कहा नहीं 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 एक सेकंड, ये कहा आप कह रहे हैं ये यही, अरे यही तो आप लोग यही कर रहे हैं, आप 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 यही कर रहे हैं मेरे ना, आपका आपको आपको कांग्रेस बेकार रही है क्या? सुनिए आपको बेकार रही है भाई, मारा सुनिए क्या बीच में मैं ब्रेक ले रही हूँ, परमन जी रुकिए मैं ब्रेक ले रही हूँ, कंप्यूटर बाबा रुकिए रुकिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड संत किशोर एक सेकंड, हाँ मैं एक मिनट कहना चाहूंगा कि मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को 125 करोड़ से माफी मांगना चाहिए कि हमें माफ करो, हमने गलती से कह दिया था कि हम मंदिर बनाएंगे पर मंदिर नहीं बना पाए, हम लोग माफ कर देंगे, पर मंदिर माफी मांगे 125 करोड़ जनता की। अब एक नई चीज, अब एक नई बात सामने आ रही है, यहाँ बैठे कंप्यूटर बाबा जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, कभी शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ करते थे, आज ये कह रहे हैं कि मोदी कान पकड़ के पूरे 125 करोड़ हिंदुओं से माफी मांग ले, बीजेपी माफी मांग ले कि जो वादा हमने किया था वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 6 बज चुके हैं, 4 बजे सिलसिला शुरू हुआ वाद विवाद का, प्रतिवाद का, मंथन का, चिंतन का, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। और अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल संत ही संत से कर रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से करती थी, इससे पहले संत राजनीतिक पार्टियों से करते थे, लेकिन अब उस मोड़ पर राम मंदिर का मसला आ गया है जहां सवाल सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं, जहां सवाल संसद से हो रहे हैं, जहां सवाल सरकार से हो रहे हैं, और अब सवाल संतों से भी हो रहे हैं। दो धर्म संसद के माने क्या है और दो धर्म संसद क्या राम मंदिर के लिए, उस राम आंदोलन के लिए एक राह पर चलेंगी, इसी पर बात करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपका परिचय करवा देती हूँ एक बार फिर से। हमारे साथ बाबा अवस्थी बने हुए हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। बाबा अवस्थी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके पास में आपको स्वामी परमहंस नजर आ रहे हैं जो कि राम आंदोलन में आप कह सकते हैं कि अग्रिम पंक्तियों में जो संत खड़े हैं उनमें से एक है। रासू का इन पर योगी सरकार ने लगाई हुई है क्योंकि खुद को चिता में भस्म करने की वार्निंग दे चुके थे राम मंदिर को लेकर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महायोगी मौनी महाराज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मौनी महाराज आज को ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत, आप कह सकते हैं सरस्वती का आशीर्वाद है कि एक शब्द दीजिए और उसके बाद जो चिंतन और मंथन होता है और जो इनके लबों से बातें निकलती हैं, बस मंत्रमुग्ध होकर आप सब बस सुनते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी भी मौजूद हैं, पंचानंद गिरी महाराज जो राधे माँ के गुरु भी हैं और जिन्होंने आज विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद का खुले तौर पर कह दिया है, खंडन किया है और कहा है कि हम वहां पर नहीं जाने वाले, कोई अखाड़ा वहां पर नहीं जाने वाला है। योगी जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संत हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि राम आंदोलन को किसी और ने आगे नहीं बढ़ाया है, उसको विश्व हिंदू परिषद ने आगे बढ़ाया है और विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद है वही राम मंदिर पर किसी आखिरी प्रस्ताव को लेकर आएगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संत किशोर जी हैं जो कल महामंडलेश्वर माफ कीजिएगा, कल जो परम धर्म संसद हुई है उसमें स्वामी स्वरूपानंद ने जो प्रस्ताव रखा है और जो आह्वान किया है कि चलो 21 फरवरी को वहां पर शिलान्यास करेंगे, उस धर्म संसद में मौजूद भी थे और बकायदा प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ भी आए हैं आशीष गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आज इनको सारे कड़े सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, बच नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ मौजूद है जिनके बारे में आप ये जान लीजिए कि चूंकि बीजेपी ने वादा किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो संतों
कि उस पूरे के पूरे मिशन को लेकर ये शिवराज सिंह चौहान के साथ गए। बकायदा इनको मंत्री पद भी सौंपा गया, लेकिन फिर नाराजगी और अब सवाल पूछ रहे हैं उसी बीजेपी सरकार से। संतों के साथ है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ है और 2 फरवरी को ये भी एक धर्म संसद जो है वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरू करती हूँ कंप्यूटर बाबा, अब तीसरी धर्म संसद आप लेकर आ रहे हैं। आज बाबा रामदेव ने कह दिया है हुंकार भरते हैं और हम राम मंदिर का आह्वान करते हैं। देखिएगा रामदेव बाबा क्या हुंकार भरेंगे, रामदेव बाबा तो धर्म संसद क्या करेंगे। कारण उसका यह है, इन्होंने राम मंदिर की बात कह के और धर्माचार्य की उपाधि एक रखी है उन्होंने, पर वो जो हैं वो पूर्ण रूप से व्यापारी हैं। वो तो राम मंदिर की बात करके राम मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, वहाँ फोटो की दुकान जरूर लगवा लेंगे, अपने शिष्य को फोटो की दुकान लगवा देंगे। ये उनका चाल चरित्र अलग अलग है। इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हम सबको मालूम है, और उस आंदोलन में इन्होंने जब ऐसा मौका आया इन्होंने सलवार कुर्ती पहन के और मतलब आप, आप उनको धर्मगुरु नहीं मानते हैं, आप उनको संत नहीं, नहीं मानते नहीं, हैं है नहीं। गुरु है। आप नहीं मानते, वो योग गुरु है। अरे अब तो व्यापारी गुरु हैं, धर्म के आप व्यापारी गुरु हो गए, लेकिन वो राम मंदिर का आह्वान तो कर रहे हैं, स्वागत योग्य क्यों नहीं है? कर सकते हैं, वो वस्तुतः आर्य समाज से आए हैं और वो मूर्ति पूजा को मानते नहीं, आज तक कोई मंदिर बनाया नहीं, उनके आश्रम में कोई मूर्ति लगाई नहीं, किसी मूर्ति की पूजा उन्होंने जीवन में की नहीं, मूर्ति पूजा न करने का उनका संकल्प है। वो राम मंदिर कैसे बनाएंगे? और बनाएंगे तो आदर्श राम का पुतला बनाएंगे, मूर्ति कहाँ से बनाएंगे? अगर वो भगवान के मूर्ति को नहीं कर रहे हैं तो योग को लेकर के समाज में आए हुए हैं, कुछ न कुछ योग छोड़ दिया कर रहे हैं। अरे राम मंदिर क्या, क्या? राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ दिखाया, किसने ना बोला? आप व्यापार कर रहे हैं, कर सकता है आप व्यापार कर रहे हैं, कितना बड़ा नहीं तो कंप्यूटर बाबा और संत किशोर आप इतना दिखाया कि हम विदेशियों को योगी जी, मेरा एक सवाल है, योगी जी मेरा एक सवाल है, कंप्यूटर बाबा क्या आपको बाबा रामदेव से जलन है, जेलेसी है, हसद है? साधु का भेष रखा हुआ है, स्नो पाउडर लाली बनाने के लिए नहीं है, ये व्यापार करना बंद कर दे, बिल्कुल सही। ये व्यापार ठीक है, परमन जी बिल्कुल सही है। संतों की एक मर्यादा है, देखिए सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, साधु का ये काम नहीं है कि साधु का भेष बना करके व्यापार करे, संत का काम है समाज को एक मार्गदर्शन। वो ये कहते हैं कि वो तो देश को शुद्ध चीजें पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई गलती क्या हो सकती है? चीजों के लिए मार्गदर्शन दे देते, लेकिन खुद व्यापारी बने हुए हैं। मौनी बाबा आपका क्या कहना है? तो कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, वो थोड़ी करते हैं, वो मार्गदर्शन ही तो दे रहे हैं। मौनी बाबा आपका क्या कहना है? अब जरा बाबा रामदेव, बाबा रामदेव पर चर्चा हुई जाए। बाबा रामदेव के आह्वान को इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो योग गुरु हैं, वो धर्म गुरु नहीं है। बाबा रामदेव पहले बताएं कि क्या वो राम जी की पूजा करते हैं? क्या राम जी का राम मंदिर बनेगा तो पूजा करने जाएंगे जब मूर्ति पूजा नहीं करते? योगी जी परमहंस यहाँ पर सीधा सीधा सवाल और चैलेंज बाबा रामदेव आपको दे रहे हैं। अगर आपका कोई अनुयायी, आपका कोई करीबी इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहा है तो सीधा सवाल आज आपसे, यहाँ बैठे संत ये कह रहे हैं कि क्या प्रभु राम की आराधना करते हैं जो राम मंदिर मंदिर के आह्वान की आप बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की उस धर्म संसद से? मौनी बाबा आपकी क्या राय? अपनी बात नहीं, बहुत सारे लोगों के मंथन की बात मैं कहना चाहता हूं। संत समाज पे 2 आरोप प्रायः लगता है कि संत व्यवसायी हो गया है, संत धर्म को बेच रहा है। कहीं ना कहीं से रामदेव जैसे तमाम लोगों ने योग के नाम पे अरबों रुपया कमाया, और जहां पर अरबों रुपया कमा करके लोगों ने देश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, उसी पैसे से उन्होंने व्यवसाय किया, उसी से उन्होंने संपत्ति कायम की, उसी से उन्होंने आज अपना नाम कायम किया। पर उनके नाम तो कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं। उनके नाम नहीं है, लेकिन मैं तो खाली हूँ। देखिए सुनिए, मैं तो खाली हूँ। आप मेरी बात सुनिए, उनके नाम नहीं है, लिफाफे में उन्हीं के पास में है, सारा ट्रस्ट उन्हीं की देखरेख में चलता है, इसलिए संत समाज के कहीं कहीं से दुकान में आप सुनिए, अगर कल रामदेव के किसी मामले में पॉइजन निकलता है, संत समाज गाली खाएगा कि बाबा के सामान में पॉइजन निकला, साधु चोर है, साधु अपराधी है, साधु दंड। अरे एक मुझे ये लगता है कि उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया, मुझे ये लगता है कि वो
आपके प्रिय योग गुरु हैं। मुझे ये लगता है कि वो बाकी संतों से ज्यादा, सुन तो लीजिए, मुझे ये लगता है, मुझे सुन तो लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसे ऐसे संत हैं जिनको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, वो टीवी फ्रेंडली भी है, वो नेताओं के साथी भी है, वो बाकी पब्लिक के भी खासम खासे, मतलब लौकी जो है वो सबकी एक दिन एक टाइम पर उन्होंने फेवरेट बना दी। आप मुझे एक सेकंड, आप मेरा सवाल मैं एक स्टेज तैयार कर रही थी। अब सवाल मेरा, सवाल ये है कि क्या संत समाज जो है वो बाबा रामदेव से जलन करता है? जलन की बाबा रामदेव जलता है, समाज का कोई मतलब नहीं है, जलन की बात है। देखिए बाबा रामदेव है, वो संत नहीं है, संत से उनकी तुलना आप कर नहीं सकते हैं। संत संत है, बाबा रामदेव है, वो संत समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह है, बाबा रामदेव आर्य समाज से है, आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। जिस आर समाज से वो है वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, भगवान राम की अगर मूर्ति, तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि मूर्ति पूजा का जो खंडन करता है वो प्रभु राम का मंदिर बनवा रहा है। पहले वो राम का पूजा स्वीकार कर ले। पंचानन गिरी महाराज देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज वो जो चिलम और सुल्फा साधुओं से दान में मांग रहे थे, हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि उनका एक नया व्यापार चालू करने का ये भी एक फंडा है कि मेरे को दान। क्या बात है, बिल्कुल सही है। नंबर दो, जो व्यक्ति आज यहाँ प्रयागराज की भूमि पे विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में यह हुंकार भर रहा है कि राम मंदिर के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, तो उस रामदेव से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर सलवार कुर्ता डाल के वो भाग गया, जबकि हम लोगों के पिंड दान हो जाते हैं अगर हम संत होते हैं। संत होते तो ये मरने के बाद भी ये चोला नहीं उतरता। जो व्यक्ति एक छोटी सी समस्या में अपनी जान बचाने के लिए औरतों के कपड़े डालकर भाग रहा है, वो राम के लिए क्या प्राण करेगा? उसी बात पे क्या विश्वास किया जा सकता है? बाबा अवस्थी देखिए, दे देंगे संतों ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। वाह, अब इसमें सियासी लोगों को क्या बोलना है? मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं, गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात और क्वेश्चन करूं। सलवार कुर्ती की बात करें तो हमें ये बताइए, वो यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे ये बात नहीं पसंद आ रही है कि उनकी तरफ से कोई अपनी बात रखने को नहीं है। आपके चैनल में आप सुनिए ना, कंप्यूटर बाबा, मैं जब डिबेट करती हूँ कंप्यूटर बाबा साफ गोई से कह रही हूँ, नहीं सुनिए, मैं ये कोशिश करूंगी, कंप्यूटर बाबा महाराज जी, आप, मौनी बाबा, परमहंस जी, संत किशोर, आप सब मौजूद रहें और बाबा रामदेव आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए रहें। बिल्कुल, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सुन तो लीजिए अब नहीं, आप वो सलवार कमीज वाली बात पर जा रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन बताइए आप, यदि संत होता तो वो ऐसा कृत नहीं करता, महाराज ने कहा, पर ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या वो सलवार कुर्ती लेके आए थे कि किसी को नंगा किया था तब पहना? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं, मैं आपके इस वक्तव्य से बिल्कुल आप तो संत है कंप्यूटर बाबा, आप तो संत है, इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती है, आपको शोभा नहीं देती है इस तरीके की बातें। संत किशोर, हम ये बात कर रहे हैं कि रामदेव बाबा की जो बात चल रही है वो योगाचार्य है, वो धर्माचार्य नहीं है, और धर्माचार्य नहीं है तो उनको धर्म संसद की अध्यक्षता करने का या वहाँ पर वचन देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप मुझे ये बताइए, वो योगाचार्य हो, धर्माचार्य हो, मौलवी हो, पादरी हो, कोई भी हो, अगर वो ये कह रहा है कि प्रभु राम का मंदिर बन जाना चाहिए तो आप लोगों को दिक्कत क्यों? आप लोग सब साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? लेकिन नेतृत्व किसके? क्या संत किशोर आप ये चाहते हैं? क्या योगी जी, बस एक सेकंड, क्या संत किशोर आप ये चाहते हैं कि वो जो झंडा हाथ में आए, जो तमगा किसी के हाथ में आए और जिसके नाम की तालियां बजे, वो परम धर्म संसद के नाम की तालियां बजे? नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। आप ये राम चाहते मंदिर हैं ही हमारा लक्ष्य है, सब हम साथ में मिलके बनाने को तैयार हैं। कहां साथ में मिलके? सब क्यों नहीं? 15 मिनट से हमने तो हमारा तारीख घोषित कर दिया, हम बनाने जा रहे हैं, अब रामदेव बाबा भी हमारे साथ जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तारीख बताइए 21 के बाद क्या होगा? 21 के बाद क्या होगा, वो तो रणनीति पहले से थोड़ी खोले दी जाती है। नहीं, क्यों नहीं? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? कितने लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर?
कितने पहुंचेंगे? हम चार शिलाओं को लेकर जा रहे हैं और चार शिला से शुरुआत होगी। अब कितना होगा, क्या होगा, वो आपके सामने पुलिस पकड़ कर ले जाएगी आपको। अरे क्या होगा वो तो आप देखेंगे ना, देखते रहिए आप क्या होता है। मैं इसलिए क्योंकि वो यहाँ मंच पर मौजूद नहीं है, मुझे उनकी तरफ से सवाल पूछने जरूरी थे, मैं सिर्फ सुन नहीं सकती। आप अच्छा एंकरिंग करती है तो क्या आप धर्माचार्य हो जाएगी? एक क्षेत्र में आपका अधिकार है, दूसरे क्षेत्र में आपका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार योग में है, धर्म में अरे नहीं। आप कह रहे हैं कि जो भी राम मंदिर बनाएगा हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन जो कह रहा है राम मंदिर बना दीजिए, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, बिल्कुल वक्त नहीं है। परमन जी, राम मंदिर पर बिल्कुल स्वागत है, लेकिन हम आलोचना करेंगे। यही वो बिंदु है जो बार बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि दोबारा मुझे आकर अगले साल, जैसा मैंने कहा, कि राम मंदिर पर यह चर्चा ना करनी पड़े कि तारीख कब बताएंगे। राम मंदिर बन जाएगा जब तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।